हमेशा मतलब ये कई सालों से 90-95 साल से यहीं रह रहे हैं, मतलब यहीं पे रह रहे हैं, मतलब हाँ पूरा पुराने परिवार लोग, यहीं हाँ है, पूरा परिवार यहीं यहीं पे रहता है। अच्छा, है। ये घरों की हालत हम लोगों ने देखी है, क्या दिक्कत है इन घरों में? ये घरों के जो है, ये जमीन जो है धसकते चले जाने में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। मतलब यह है कि हम लोगों का जो है, जितने बार भी हम इसमें पैसा लगाएं या कुछ करें तो वो सारा व्यर्थ जा रहा है। हमने प्रशासन को भी कई बार मतलब जो है अर्जी दे दी है, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ से कोई सुनवाई नहीं करी है। हमारे इस तरीके का रोजगार भी नहीं है जो मतलब हम इसको जो है सही कर पाएँ और मतलब जो है बार बार हम इतना पैसा लगा पाएँ, क्योंकि एक ठेली लगाते हैं, एक इंसान है, उनके पीछे जो है 5-6 बच्चे हैं और एक बूढ़ी सास है, तो वो चल नहीं पाते हैं। उनके पैरों के दर्द की वजह से जो है वो कई बार अगर पैर मुड़ गया, कुछ हो गया, गिर गया, तो वो दिक्कत भी है इसमें। अब हम इतना ये नहीं है कि इस मकान को बार बार ठीक कर पाए, मतलब इस अब प्रशासन पे कई बार बोल दे तो उन्होंने 5,000 रुपये अभी थोड़े टाइम पहले दिए थे, तो उससे तो कुछ नहीं होता है, इसलिए हम इसको कैसे ठीक कर पाएंगे। और हमारे पास कोई रहने का कहीं साधन भी नहीं है, रहना है तो यहीं रहना है, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब इन बच्चों के साथ में मतलब यह है कि हम रिक्स में रह रहे हैं समस्याओं के। इसके हमको जो है अब जोशीमठ के तरफ तो सारी देखभाल हो रही है, लेकिन हमारे ये कुछ परिवार हैं इधर पे जिन लोगों के तरफ कोई देखभाल नहीं हो रही है, और सारे लोग जो है मजबूर है कि मतलब जो है इसको कितनी बार ठीक करा पाएंगे हम। एक बार अभी हमने मकान पे पैसा लगा के, इतना ज़्यादा पैसा लगा के, लेकिन वो भी बैठ चुकी है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा है कि इस तरीके से हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। सरकार से हमारी यही वो है कि जो है इस चीज़ को देखा जाए, बच्चे हैं, रिक्स अगर कुछ बात हो गई तो फिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा इस तरीके से। अच्छा, ये बताइए कि दरारें आनी कैसे शुरू हुई, कैसे पता चला आप लोगों की? हम लोगों ने भी देखा कि दरारें बहुत बड़ी हल्के चली गई। हल्के दरारें आते वो एकदम से खुलती चले गई अभी, और टाइम तो मतलब ये पहले से होते जा रहा था, लेकिन अभी जब हमने ये नए दोबारा से पैसा लगाया है तो उसमें भी मतलब हल्के हल्के बरसात में ये ज़्यादा खुल जाती हैं। मतलब जब ये बारिश बरसात का टाइम होता है तो ये बहुत ज़्यादा खुल जाती है। दूसरा ये है जो हमारे मकान के नीचे रोड साइड है, ये रोड है, तो उसमें हमने कई बार कह दिया नगर पंचायत से कि यहाँ पुस्ता दिया जाए, लेकिन वो पुस्ते की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने कई बार वार्ड मेंबर से भी कह दिया है और नगर पालिका में भी कहा है कि जब ये रोड कटी है तो इसमें पता नहीं हम लोगों की भी कटिंग हो सकती है हमारी जगह की, लेकिन हमें इस चीज़ के उसमें मालूम नहीं चला, लेकिन इस वजह से जो है पुस्ता भी नहीं दिया जा रखा है। अभी इस पुस्ता अगर वहाँ दिया जाएगा तो थोड़ा हमको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से, हम ये सरकार से क्या बोलना गवर्नमेंट चाहेंगे? से हम ये कहना चाहते हैं कि हमको जो अगर अगर वो हमको इस चीज़ का बनाने का सहयोग कर देते हैं तो हम इसको दोबारा से बनाएंगे नए तरीके से, और अगर सहयोग नहीं है तो गवर्नमेंट बना के दे दे अपने हिसाब से, हम उसमें भी मंजूर हैं। मतलब हमको जो है ये पूरा तोड़ के या गवर्नमेंट बना के दे दे या गवर्नमेंट हमको इतना मतलब वो कर दे।